जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए आईटीबीपी कांस्टेबल पायनियर की वैकेंसी आई हुई है। घबराइए मत, पायनियर की वैकेंसी है और अलग अलग कैटेगरी वाइज है। पायनियर से डरिए मत, कारपेंटर भी इसमें शामिल होंगे, आपके मैसन होंगे और प्लम्बर होंगे। कारपेंटर जो बढ़ई का काम करते हैं, फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, मैसन जो आपका घर मिस्त्री का जो काम करते हैं ना, घर बनाने का जो काम करते हैं, तो बटालियन हेडक्वार्टर या समवाय में कोई भी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर छोटा मोटा काम जो करते हैं वो मैसन करते हैं। और आपके कारपेंटर जो ये प्लम्बर जो हैं, प्लम्बर मतलब आपकी किसी टंकी फटी फिटिंग है या किसी दूसरी तरह की पाइप टूट गया या घर पर छोटा मोटा काम करते हैं, उन्हीं सब की यूटिलाइज करते हैं कंपनियों में या हेडक्वार्टर में। तो आईटीबीपी में ये तीन तरह की वैकेंसी आई हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 108 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ए टू जेड चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो में अगर आप सोच रहे होंगे कि यार 108 वैकेंसी आ रही है तो क्या कुछ होगा, यही गलती नहीं करनी है। काफ़ी कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड, कारपेंटर मैसन और प्लम्बर से रिलेटेड काफ़ी कुछ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तिब्बत सीमा पुलिस बल तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो 108, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 108 पोस्ट होने वाली है आईटीबीपी कांस्टेबल पायनियर प्लम्बर कारपेंटर और मैसन में। इसके साथ साथ एक वैकेंसी और आई है, वो है आपकी नर्सिंग की, वो भी आईटीबीपी में आई है। टोटल नंबर पोस्ट है 11, उसकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अब इसकी अप्लाई डेट क्या है, अप्लाई डेट है 19 अगस्त, ये शॉर्ट नोटिस आया है, 19 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और 17 सितंबर तक ये चलने वाले हैं, ठीक है। अप्लाई डेट 19 अगस्त से 17 सितंबर 2022, ये आपकी डेट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद फीस की बात कर लें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के आपके 100 रुपये लगने वाले हैं और अदर कैटेगरी जो है उसका 1 रुपया यहाँ पर आपको नहीं लगने वाले, चाहे एससी एसटी या आप फीमेल कैंडिडेट हो। एज की बात करें तो 18 से 23 साल इसमें मांगा हुआ है। अगर आपकी एज 18 से स्टार्ट होती है और 23 साल तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज की कट ऑफ डेट क्या रहने वाली है, एज देखिए, अगर आपकी 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अगर 17 सितंबर 2022 तक आप 18 से 23 साल हो जाते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बात करें कि भाई अब एज कब से कब तक मांगी गई है, अगर आप जनरल कैटेगरी की हैं तो 18 सितंबर 1999 से 17 सितंबर 2004 के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैं आपको डेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो बच्चों की होती है, इसलिए मैं आपको इसको खुल के बताना चाहता हूँ कि 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी की, 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी के लिए, तो 18 से कितनी हो जाएगी ये 26 साल, और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है तो 18 से 28 साल उनकी एज हो जाएगी। अब डेट ऑफ बर्थ कब तक मांगी है, 17 सितंबर 2022 तक मांगी है। अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर 1999 से 17 सितंबर 2004 तक अगर आपकी एज है उसके बीच में, तो आप इस वैकेंसी के लिए जनरल कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी के लिए 18 सितंबर 1996, क्योंकि 3 साल बैक चले जाएंगे 99 से, और 17 सितंबर 2004 तक की अगर आपकी एज आती है वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, 1999 से 5 साल बैक चले जाइए, मतलब 18 सितंबर 1994 से 17 सितंबर 2004 तक एससी एसटी कैंडिडेट की एज है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपका सिंपली 10th अगर आप पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं आपकी सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी दोस्त इसमें आपकी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 21,700 से कांस्टेबल की है, पे लेवल 3-7 सीपीसी में, तो इसकी जो सैलरी हो जाएगी 21,700 से 69,100 तक इसकी सैलरी आपकी देखने को यहां पर मिलने वाली है। चलिए पोस्ट की बात कर लेते हैं, कारपेंटर कांस्टेबल कारपेंटर की जो आपकी वैकेंसी है, देखिए ये आपकी टोटल 56 वैकेंसी कारपेंटर की हैं और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज है। जर्नल की जो आपकी वैकेंसी है 29 है, ओबीसी की आपकी 6 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी हैं, एससी की 7 वैकेंसी हैं और एसटी की 8 वैकेंसी आपको कारपेंटर में मिलने वाली है। मैसन में टोटल वैकेंसी 31 है, इसमें यूआर मतलब जर्नल की 17,
ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 4 और एसटी की 4 वैकेंसी हैं। कारपेंटर प्लम्बर की, कॉन्स्टेबल प्लम्बर की जो वैकेंसी है, टोटल 21 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जनरल की 12, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 3 और 2 और एसटी की 3 वैकेंसी यहाँ पर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21, तीनों को मिला देते हैं तो 108 वैकेंसी आपकी हो जाती हैं। ये बात कर ली। अगर हम आगे बात करें कि भाई और क्या क्या है इसमें, फिजिकल कैसे होगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस है और इसकी जो वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी 19 अगस्त से आएगी, तो ये प्रीवियस ईयर से उठाया कि इसमें हाइट, चेस्ट, वेट, क्योंकि आपको एडवांस में पता होगा तो उससे क्या है, अपनी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, एससी एससी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो 167.5 ये दिया हुआ है। हाइट अगर आपकी है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आप अगर एसटी कैंडिडेट हैं, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 मेल कैंडिडेट और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 76 से आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के गोरखा हैं तो वहाँ से कितनी आ जाती है, हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो मेल कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर और चेस्ट की बात करें तो 78 से 83 सेंटीमीटर है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट एप्लीकेबल है, फीमेल के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ साथ रनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। रनिंग जो है 1600 मीटर है 7.5 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए दे रखी है रनिंग 800 मीटर है 4.5 मिनट में आपको रनिंग पास करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। पहले आपका पीटी पीएसटी होगा, उसके बाद आपका रिटिन होगा, रिटिन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल और फिर रिव्यू मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट लग जाएगी। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर इस वैकेंसी में रहने वाला है। इसके साथ साथ इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप भी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसकी पूरी डिटेल है, देख लीजिए। अब ये वैकेंसी आ गई इसमें। हाँ, वैकेंसी एजुकेशन, इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ मैंने बताया 10th प्लस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या 1 ईयर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। 10th प्लस 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, ये होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होगी, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आपके पास मोबाइल नंबर मस्ट होना चाहिए, दूसरा आपका ईमेल आईडी ये ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इनके जो एडमिट कार्ड आते हैं वो मेल के थ्रू और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपके एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं, और दूसरी तरह की जो जानकारी होती है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही बताया जाएगा। अब वो जमाना लद गया कि घर घर डाके लेके भाग रहा है, लेकिन हाँ, जो अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं ना वो आपके घर डाके ही देने आएगा। ये बात कर ली हमने। अब मैं बताता हूँ भाई इसमें रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आने वाला होगा, प्रीवियस ईयर से उठाता हूँ और उसके साथ साथ मैं बताता हूँ कि इसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगी देखने के लिए, उसके बाद मैथ मिल जाएगा, बाद आपका जीके जीएस हो जाएगा, और आई थिंक सो इस बार आपको हिंदी भी इसमें देखने को मिल जाए। प्रीवियस ईयर में नहीं था, लेकिन आई थिंक सो कि इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश, इनमें से एक, इंग्लिश तो शायद नहीं है, ये पोर्शन एक बार चेक कर लेना, ये नहीं थी। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल आप रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस की तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा आपको सिलेक्शन लेने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई वैकेंसी कैसी है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, कॉन्स्टेबल की नौकरी है, कॉन्स्टेबल एसएससी के थ्रू जाएंगे तब भी इसी में बनने वाले हैं, कॉन्स्टेबल ही बनेंगे। यहां से जाते हैं तो ट्रेडमैन में आ जाएंगे, ये ट्रेडमैन में आ जाएंगे और काफ़ी अच्छी है। आपको एक ट्रेड मिल जाएगा कि यार आप प्लम्बर हो, आप कारपेंटर हो और आप मैसन हो, आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं इसमें, आपको फैमिली एलिमेंट में आप आ जाएंगे। और अगर फैमिली एकोमोडेशन वहां पर है तो आपको मौका मिल जाएगा अपनी फैमिली साथ रखने के लिए। दोस्तों, अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी देख रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको आप परचेज कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इनके साथ साथ इनकी प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, तो गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी आपको,
चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेंगे, अगर आपके दो बच्चे हैं तो उनके लिए 81,000 रुपये आपको मिलेंगे, 81,000 रुपये बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं इसमें आपको मिल जाएंगी। सबसे अच्छी आपको प्राउड होगा कि मैं देश कंट्री के लिए सर्व करने वाला हूं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मौका जाने मत दीजिए, ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पंकज फौजी ग्रुप, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आती है मैं वहाँ से आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।